वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने लेक्चर 9 को लेकर आया हूँ, जिसमें हम पेपर कोड 909 डिस्कस करेंगे। सो Continuing with the series of previous year questions of RSM SSB Junior Engineer exam. So this is another exam which was asked in paper in the year 2016 and the paper code is 09. So aap ye paper code 09 ye aapko PDF file aap install kar sakte hain, download kar sakte hain cizplus.com par jaakar. Wahan par aapko previous year questions ka ek course mil jayega which is free, aap wahan se download kar sakte hain. तो आई होप कि आपने पहले 8 लेक्चर्स भी देख लिए होंगे जिसमें हम ऑलरेडी 2 पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अनदर पेपर जिसमें हम एक डिग्री का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, एक डिप्लोमा का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज लेक्चर 9। आप जानते हैं कि RSM SSB जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस दे आर जीके बेस्ड, जो राजस्थान का जीके होता है, एंड 80 क्वेश्चंस They are technical based. So, जो first 40 questions रहते हैं वो हमेशा GK के होते हैं, तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ technical questions को ही discuss कर रहा हूँ। तो मैं अभी zoom कर रहा हूँ, इसमें first 40 questions को अभी नहीं discuss कर रहा हूँ। So, therefore, I will start from question number 41 onwards. Question number 41 onwards से हम start करने वाले हैं। So, सबसे पहला question देखते हैं, ये है building materials का question, building construction का question है ये। Maximum permissible wear in stones For road work. So road work में maximum permissible wear कितना होता है? जल्दी से बताएं मुझे। इसकी जो चार options हैं, ये क्योंकि word file है थोड़ा सा distort हो गया है, तो चार options मैं आपको हिंदी से बता देता हूँ। चार option है 1%, 2%, 3% और 4%। The option will be 2%. For road work, जो allowable wear है, that is 2% for road work. If I talk about building work, अगर मैं building work की बात करूँगा, तो वो होता है 3%. आपको just पता रहना चाहिए कि आपको extra knowledge भी होनी चाहिए कि हो सकता है कि अब जो question आएगा 2020 में, जो question आपसे पूछेंगे junior engineer का, उसमें building work का 3% आ जाएगा. ठीक है, इसका answer, right? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैं पढ़कर सुनाता हूं। अ गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर, तो कितना डायमीटर होगा? 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर, 3 mm, 6 mm एंड 10 mm। अ गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग। The correct answer is 3 millimeter. इसका option 2 correct रहेगा। A good brick earth can be rolled without breaking in small thread of diameter 3 millimeter. ठीक है, तो good brick earth की ये quality होती है कि 3 mm. आगे चलते हैं हम question number 43 पर। Question 43 भी फिर से building materials का ही question है। Fat lime is used for best performance in, आपके पास लाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक लाइम, एक होता है नॉन हाइड्रोलिक लाइम। सो नॉन हाइड्रोलिक लाइम फैट लाइम होता है। सो फैट लाइम इज यूज्ड फॉर मेसनरी मोर्टार, लाइम कंक्रीट, प्लास्टर वर्क, नन। जो फैट लाइम है इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टर वर्क। वाइट वॉशिंग बिल्कुल ठीक जवाब है, प्लास्टर वर्क बिल्कुल ठीक है। सो बीतू ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। जो हमारे पास लाइम होता है ना, लाइम दो तरह का होता है। एक होता है हाइड्रोलिक लाइम, ध्यान से सुनना आप इसको जरा, और दूसरा होता है नॉन हाइड्रोलिक लाइम। नॉन हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लाइम वही है जो आप अभी तक जानते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस से बनता है। जैसे आप लाइम का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, मतलब वाटर का अगर एक्शन करेंगे, एक्शन ऑफ वाटर से बनेगा हाइड्रोलिसिस, समझ गए। जबकि जो ये नॉन हाइड्रोलिक लाइम है, ये हाइड्रोलिसिस से नहीं बनता, ये कार्बोनेशन से बनता है।
किससे बनता है ये? कार्बोनेशन से। सो जब आप कार्बोनेशन से बनेगा, इस तो फर्क क्या रहता है, जो हाइड्रोलिसिस है ना ये बहुत हार्ड होता है और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोलिसिस से लाइम बनता है दैट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन और बहुत हार्ड बनता है, और कार्बोनेशन से अगर मैं देखूंगा तो दैट इज नॉट दैट फास्ट, दैट इज रिलेटिवली स्लो रिएक्शन और ये सॉफ्ट होता है, इजी रहता है, तो सॉफ्ट है, तो दैट इज व्हाई इट इज यूज फॉर प्लास्टर वर्क। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझना है। तो ये जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है ये कई डिफरेंट तरह का होता है। एक होता है फैट लाइम जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक होता है लाइम पुट्टी, आपने सुना होगा ना इसको, जब आप आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन करी होगी इंटीरियर्स में, लाइम पुट्टी आपने लेबर से बहुत सुना होगा, उनके मुंह से लाइम पुट्टी बहुत सुना होगा, तो लाइम पुट्टी भी एक नॉन हाइड्रोलिक लाइम ही है। ठीक है, तो ऑल दैट इज यूज फॉर इंटीरियर्स एंड प्लास्टिक वर्क। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इन RCC इज रिकमेंडेड फॉर स्वीयर एक्सपोजर कंडीशन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो स्वीयर एक्सपोजर कंडीशन बाय BIS, तो क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इन RCC इज रिकमेंडेड बाय स्वीयर एक्सपोजर कंडीशन, तो क्या है इसमें? देखिए आपके पास कई डिफरेंट तरह की, पांच तरह की कंडीशंस रहती हैं, पांच तरह की एक्सपोजर कंडीशंस हैं। एक है माइल्ड, ये आपको IS 456 में गिवन है। एक है मॉडरेट, देन स्वीयर, देन वेरी स्वीयर, देन एक्सट्रीम। ये पांच तरह की एक्सपोजर कंडीशंस हैं। सो इफ आई स्टार्ट विद M20, ये होगा M25। आपको बस ये ध्यान रखना है माइल्ड M20 से स्टार्ट होता है, M25, then M30, then M35, and then M40. ठीक है, so which of the following grades of concrete in RCC is recommended for severe exposure? Severe के लिए कौन सा रहेगा? M30 रहेगा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट मीन्स M30। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, आपको क्या याद रखना है कि माइल्ड कंडीशन M20 से होती है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर चलता हूँ मैं। Which of the following minerals has more than 50% share in rapid hardening cement? So, आपके पास एक rapid hardening cement होता है, उसमें which of the following minerals has more than 50% share? तो कौन सा होता है जिसमें 50% share होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है? इसका आंसर है C3S, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहता हूँ। ये एक्स्ट्रा देखिए, हम जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद रहना चाहिए कि हम कुछ और भी सीखें, कुछ और ज़्यादा सीखें, ताकि आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किसको कहते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और दो तरह के सीमेंट होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स दो तरह के सीमेंट में कन्फ्यूज रहते हैं। एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, और एक होता है रैपिड हार्डनिंग। तो ये दोनों डिफरेंट तरह के सीमेंट होते हैं। जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ना, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो सीमेंट जो जल्दी से सेट कर जाता है, सेटिंग उसमें बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट सेटिंग हो जाती है, बट हार्डन नहीं होता वो, मतलब उसकी स्ट्रेंथ गेन नहीं होती है। क्विक सेटिंग सेट तो जल्दी करेगा, बट इसकी स्ट्रेंथ राम राम से ही बढ़ेगी, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही, OPC सीमेंट की तरह ही इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ एकदम से नहीं इसकी इंक्रीज होने वाली है। जबकि अगर मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूंगा, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ भी एकदम से बढ़ जाती है, इसकी हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी इमीडिएटली। तो वो कौन करता है इमीडिएटली इंक्रीज? वो करता है C3S, ये आपको याद रखना होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट
वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, सो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट्स फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल। तो देखिए ये मैं थर्ड पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर का, RSMSSB का, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव बार PVCN नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आप जाएंगे पेपर में तो आप PVCN को जरूर याद करके जाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये पूछा जाएगा, हर पेपर में पूछा जाता है PVCN के ऊपर नंबर। ठीक है, पता नहीं क्या प्यार है राजस्थान वालों को इतना इससे। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फॉर पेंट्स फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, प्राइम कोट ऑन मेटल के लिए PVCN नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, दैट इज 25 to 40। ठीक है, मैं इसको हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो भी वर्ड फाइल है उसमें हिंदी का इसका करेक्ट फॉन्ट नहीं आया हुआ है, तो मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ। बट आप इसको PDF इसका डाउनलोड कर लें, घर पर जाकर इसको हिंदी में देख लेना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, घर पर आप इसको साथ ही डाउनलोड कर लो ना CAZ+, वहाँ पे आपको ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा आपको, सी ऑल कोर्सेज में चले जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ये पेपर कोड 9 है 09, उसको डाउनलोड कर लो और साथ ही हिंदी वर्जन भी आप पढ़ते रहो PDF फाइल, तो कोई इशू नहीं। या फिर एक काम और करो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने WhatsApp लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, मैं आज पेपर कोड 9 का PDF वहाँ पे डाल दूंगा, आपको CAZ+.com पर भी जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा WhatsApp का भी मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लो। मैं ये सेशन ख़त्म होते ही प्रॉमिस करता हूँ, ये सेशन ख़त्म होते ही पेपर कोड 9, जो पेपर कोड 09 है, उसका PDF आपको डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ऑल राइट, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 25 to 40। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑफ टिम्बर इन हिली एरियाज, सो हिली एरियाज में टिम्बर के लिए पेड़ों को कब काटा जाता है, समर, विंटर, मॉनसून या स्प्रिंग? समर, विंटर, मॉनसून या स्प्रिंग? सो द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज, तो कौन सा रहेगा? हिली एरिया में देखिए दो होते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक होता है हिली एरिया और एक होता है प्लेन एरिया। तो हिली एरिया में इसका आंसर है समर सीजन, और प्लेन एरियाज में आंसर है इसका विंटर सीजन। याद रखना है इसको। ठीक है, आपको ये जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हिली एरियाज का क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले टाइम पर जो अगला क्वेश्चन है जो आपको पेपर आएगा 2020 में, हो सकता है उसमें प्लेन्स में पूछ लें, तो प्लेन्स का आंसर विंटर कर देना। तो इसलिए इसका क्या आंसर रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स समर। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू डिटरमिन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, सो जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट आपको कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड में मिलता है? मैं फिर भी हिंदी इसमें पढ़ सकता हूँ, मैं निम्न में से कौन सा भारतीय मानक कंक्रीट बनाने में उपयोग होने वाले रेत के वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू डिटरमिन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो इसलिए इसका क्या आंसर रहेगा? यस, इसका आंसर रहेगा IS इंडियन। ये इसमें थोड़ा सा ठीक करें एक मिनट, ये इंडियन 383 है, 353 नहीं है, 353 कोई नहीं है, 383। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है IS 383। ठीक है, 353 कुछ नहीं है। तो इसके बाकी कोड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। IS 456 किसके लिए होता है, जल्दी से बताएं, IS 456 होगा। IS 456 किसके लिए होता है, ये होता है RCC के लिए, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। IS 1893 किसके लिए होता है, जल्दी से मुझे बताएं, IS 1893
IS-1893 होता है अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक डिजाइन के लिए, ठीक है, ये होगा अर्थक्वेक डिजाइन। और अगर मैं 1237 देखूंगा, ये 1237 किसके लिए होता है, जल्दी से मुझे बताया जाए, 1237 किसके लिए होता है, 1237 सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के लिए, 1237 होता है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, जो फ्लोर फ्लोर में यूज होती है ना फ्लोरिंग टाइल्स, उनके लिए होता है 1237। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, इसका आंसर 383 याद रहेगा, चलो अच्छी बात है, फिर याद रहेगा तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें पढ़ाओ हमें पढ़ाओ, हमने जो एक होलसम डाइट पैक भी लॉन्च किया हुआ है, होलसम डाइट पैक में हमने जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए किया था, या वो रिवीजन और फास्ट एक बार देखने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जैसे हमने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को सिर्फ 5 लेक्चर्स में कर डाला था, तो वो बहुत अच्छा है रिवीजन के लिए। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, तो सीपीएम पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, अ डमी एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम मनी, ये कंज्यूम नहीं करता, दैट्स ट्रू, मनी भी इसका सही आंसर है, मटेरियल भी इसका सही आंसर है, और टाइम भी इसका सही आंसर है, समय, समय टाइम भी इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। एक डमी एक्टिविटी कुछ भी कंज्यूम नहीं करती ना, ना टाइम ना मटेरियल ना मनी, कुछ भी नहीं कंज्यूम करती डमी एक्टिविटी, जस्ट एक दिखाने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए होता है एक नेटवर्क में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये एक आया न्यूमेरिकल, ये मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करके बताएं मुझे जल्दी से। इन अ सीपीएम नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन इवेंट आई इज 10 वीक्स, ठीक है, एक सीपीएम नेटवर्क है आपके पास, ये है आई और यहां से एक्टिविटी गई, ये इवेंट है जे, ये दो इवेंट्स हैं आई और जे और एक्टिविटी है आई जे, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है 10 वीक्स, एक्टिविटी आई जे टेक्स 4 वीक्स फॉर कंप्लीशन और इवेंट आई स्टार्ट्स आफ्टर 16 वीक्स, सो फ्लोट फॉर एक्टिविटी आई जे इज, ये इवेंट जे है, इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 16 वीक्स, सो इसे इसका फ्लोट क्या होगा, तो देखो जिनको नहीं समझ में लग रहा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, करते क्या है इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बहुत आसान है। फ्लोट जब हम सीपीएम एनालिसिस करते हैं ना, सीपीएम एनालिसिस में हम एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं, किसको ध्यान में रखते हैं, एक्टिविटी को, जबकि जब हम पर्ट करते हैं तो पर्ट में हम इवेंट को ध्यान में रखते हैं, पर्ट जो होता है, क्योंकि पर्ट में ई होता है ना, ई से इवेंट याद रखो, पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच, सीपीएम हैज एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच, तो जब मैं फ्लोट निकालूंगा तो मैं एक्टिविटी की बात करूंगा आई जे की, तो फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोट होता किसके बराबर है, क्या होता है जल्दी से बताएं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, तो एक एक्टिविटी जो है आपके पास आई जे, उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम आपने कर देना है, तो अगर मैं आपको इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछूंगा तो क्या होगा, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है कि जो जे इवेंट है वो 16 हफ्तों के बाद शुरू हुआ और 4 हफ्ते लेता है एक्टिविटी का ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा 16-4, ये हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम होगा जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है इवेंट आई का, यानी कि 10, सो 16-4-10 विल बी द आंसर, तो ये बन गया, ये कितना हो गया 12-10, दैट मीन्स आंसर इज 2, सो 2 वीक्स, ठीक है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 2 वीक्स, ये सबको समझ में लग गया, ये समझ में लग गया, आपको क्या करना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम कर देना है, सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपने 16-4 कर दिया, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम माइनस, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम कर दिया आपने 10, तो माइनस किया तो फ्लोट आ गया 2, मतलब फ्लोट क्या है कि आप 2 हफ्ते तक रुक सकते हैं जिससे आगे डिले नहीं होगा, फ्लोट का मतलब ये होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 50 था, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, क्वेश्चन नंबर 51 पर चलता हूं मैं, और ये देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 50 को हिंदी में पढ़ देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी हिंदी में पढ़ने की,
एक सीपीएम नेटवर्क में इवेंट आई का विलंबित समापन समय, बहुत मजा आया पढ़कर, विलंबित समापन समय 10 सप्ताह है। एक्टिविटी आईजे पूरा होने में 4 सप्ताह का समय लेती है। तत्पश्चात इवेंट जे परियोजना के 16वें सप्ते से शुरू होती है। एक्टिविटी आईजे का फ्लोट होना चाहिए, तो एक्टिविटी आईजे का फ्लोट क्या होगा, 2 सप्ताह। ठीक है, अच्छा चलो आगे पढ़ लेता हूँ सर। अब आगे, ये तो थे पहले 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो गया है। तो अभी हमने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को खत्म कर लिया, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स और सीपीएम पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन आते ही हैं डिप्लोमा के पेपर में, ये 10 क्वेश्चन आते हैं। अब आगे शुरू हो रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के देखते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी लगभग 10 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मुझे बताइए सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, कोहिजन, एडहीजन, कोहिजन एंड एडहीजन, कोहिजन ओनली, एडहीजन ओनली या नन ऑफ द अबव। कोहिजन, द करेक्ट आंसर इज ओनली कोहिजन। सरफेस टेंशन में एडहीजन का कोई रोल नहीं है, सरफेस टेंशन सिर्फ कोहिजन की वजह से है। जो मतलब कोई भी फ्लूइड है ना, उसके कोहिजन क्या होती है, जब दो सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एडहीजन होता है जब दो डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एडहीजन। तो कोहिजन इज जब दो सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ये भी एक बार देखें। द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज करेक्ट। दैट मीन्स गेज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो देखिए, गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर होता है रिलेटिव प्रेशर। गेज प्रेशर हम उसको कहते हैं जो कि एटमोस्फेरिक से ऊपर है। तो मान लो कि ये जीरो लाइन है, एज्यूम करो कि ये जीरो लाइन है, जीरो, और ये यहां तक तो है एटमोस्फेरिक, तो इसको मैं PATM लिख लेता हूँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर आप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर यहां तक देखते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर है, इतना जो लेवल अभी लाइन बनाई है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको मैं कहूंगा गेज प्रेशर। Because gauge pressure is a pressure that is measured with that is measured above atmospheric pressure. तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट प्रेशर पूछना चाहूंगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा टोटल जीरो लाइन से कितना है, ये होगा पी एब्सोल्यूट। समझ में लग गया, तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम से कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमोस्फेरिक, है ना, पी गेज प्लस पी एटमोस्फेरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 352 का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। तो इसको भी हिंदी में पढ़ देता हूं, निरपेक्ष दाब का मान किसके बराबर होता है, निरपेक्ष दाब मतलब एब्सोल्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रमापी दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय मतलब एटमोस्फेरिक और प्रमापी मतलब गेज। ठीक है, राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।